लाइन चीनू, कैसे हो आप? आई होप यू विल बी वेरी हैप्पी। नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि चीनू है तो हंसना जरूरी है। तो भाई साहब, 3 दिन फीवर था, वो भी बहुत तेज फीवर के साथ था। मुझे क्या कहते, खांसी थी और जुकाम भी था और सर्दी भाई नहीं लग रही थी। आई थिंक आपको अगर 250 ग्राम लग रही होगी तो मुझे 500 ग्राम लग रही थी। अभी भी है, जुकाम भी है और फीवर तो आप चेक कर सकते, फीवर है लेकिन दिख रहा। और आज मैं नहीं नहाया, बल्कि 5 दिन से नहीं नहा रहा हूँ, वो भी नई बात नहीं है। तो जस्ट भाई दोस्तों, मैं बताने वाला था कि मुझे जाना है वहाँ। वैसे तो मैं वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे आ रहे हैं दुधलिया, जो आई थिंक एक जगह रुकते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। दोस्तों उनका कोई घर नहीं होता, वो हर जगह अपना घर बना लेते हैं। तो कल चलते हैं वहाँ पे। तो जस्ट बीच में ये तालाब है, उसके पार आप देख पा रहे हो वहाँ पर ये कितने सारे यहाँ पर हॉर्सेज हैं। ये देखिए, हम आज इनसे ही सॉरी इनके साथ ही फोटो खींचेंगे और उनसे ही मिलेंगे जो यहाँ पर दूध ले आ रहे हैं। कुछ बातचीत करते हैं उनसे, उनका रहने सहने के बारे में थोड़ा पूछेंगे, कितने दिन के लिए वो एक जगह पर रुकते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं जंगल में भाई इतनी सर्दी में, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर वो बाहर से लोग आ रहे हैं, रुके हमारे गांव में रुके हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे रुके हुए हैं। ये बिजली घर है, बिजली घर के सामने खेत खाली पड़ा था तो वहाँ पर ये रुके हुए हैं भाई साहब। इनके पास बहुत सारे हॉर्सेज हैं और जस्ट हम आपको उनके पास लेके चलते हैं और दिखाते हैं। और ये देखिए भाई साहब, ये ना भागना नहीं भाई, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। और एक ही ना दो आगे, तो भाई साहब बहुत सारे लग रहे हैं। दो जंप, और हम इनसे बातचीत भी करेंगे यहाँ पर कितने दिन के लिए रुके हैं, क्योंकि 4 दिन से तो मैं देख ही रहा हूँ। और मैं कहाँ से देखता था, और हमारा घर जस्ट मेरे पीछे है, बिल्कुल सामने ऐसे ही पड़ता है, ठीक है। और ये थ्री फोर 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 फाइव फाइव गया, और बस सिक्स सेवन और फाइव हो गया, एट ठीक है, नाइन और ये टेन टेन हो गया। और हमें उसे कहा कि थोड़ा सा पीछे लात मार देते, कितना हो गया, टेन एलेवन इनके पैर बांध रखे, इससे ना भाग पाए ज्यादा, क्योंकि आपको तो पता है भागने में बहुत ज्यादा माहिर है। हाय हमारे दोस्तों से हाय करो, मने अभी ये मने कर दिया, खा लो खा, ओके डिस्टर्ब नहीं करते आप। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़ारा जैसे कि वादियों में होता है, सेम टू सेम वही होता है। तो इसने बस भाई साहब अभी तक ये माननी हम पे, आई थिंक इसने फोटो खिंचवाया है। चल एक और, चल चल बाद में, ये क्या अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। बस अभी तक ये मानी मुझे सबसे अच्छा लगा, इसने भाई से स्माइल करी, समझदार है। अब उसके दौर चलते हैं, ये तो ये बहुत ये नहीं मान रहा, मानने का वैसे देखते हैं, वो ट्राई करके मान जा यार, देखिए मान जा मान जा मान जा, नहीं मान रहा, आजा वहीं चलते हैं पहले। तो अब चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि उन्होंने मतलब किस तरीके से अपनी झोपड़ी आए रहने का घर बना रखा है, क्या पता है समझदार हो। इसके पास चलो चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या पता ये पोज दे दे, पर ये गुस्से में लग रहा मुझे नहीं लेने दो, फायदा नहीं है। तो चलते हैं वहाँ पर उनके पास और करते हैं उनसे बातचीत। और हमें यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर कभी भी आप किसी भी अनजान लोगों से मिले जाए तो वहाँ पर वो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर कुत्ते रखते हैं, तो उनका विशेष का ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर पहली बात कर ली थी उनके मालिक से कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो आप सतर्क रहें, लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। और ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर रेंसन कर रखा है, यहाँ पे वो है और हमारा घर सामने दिख रहा है आपको। चलते हैं ऊपर की तरफ, क्या चलो भाई हाथ पदे, ये यहाँ पर बिजली घर बनना है। ओ यस, ये बिजली घर है और यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर ये
रुके हुए हैं। हमारे मतलब की लैंग्वेज में, यहाँ पर यहाँ की लैंग्वेज में दुदलिया कहते हैं। वैसे साहब बंजारे टाइप हैं जिनका कोई अपना घर नहीं होता, ये उधर इधर उधर रह कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन से रुके हुए हैं। ये देखिए, हाय 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 हाय, ये कुछ कार्टून लग रहा है मुझे। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो बच्चों, हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो ऐसे करो, हेलो ऐसे करो बच्चों, हेलो। बच्चों ऐसे करो, हेलो। हंस रहे हैं, क्या बात है, इन्होंने सीढ़ी बना रखी है। ये देखिए कितने नए नए बच्चे भी है। बच्चों हाय करो, हाय 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 हाय। बच्चों हाय करो, ये करो हाय। ये क्या बात है, आपका नाम क्या है? नहीं, नाम क्या, आपका नाम, नाम क्या है इसका? सामनी समुड़ी। नहीं, क्या नाम है? गुल्ली। इसका नाम गुल्लिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम दीपांशु। इसका नाम क्या है? ऋतिक। और तुम्हारा नाम क्या है? श्याम। और इस लड़की का? सोना। और इसका? नोरिक। क्या नाम है भाई? बाय बाय। बच्चों बच्चों ये बताओ, ये घोड़े किसके हैं? सबके सब तुम्हारे हैं। हाँ हाँ हाँ, जाना। सबके हैं आपके? सबके हैं आप? सबके हैं ये घोड़े? वाओ। दोस्तों यू कैन सी डैट, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग बाहर से रह रहे थे, वो इस तरीके से अपना रहना सहना करते हैं, झोपड़ी बनाते हैं। पहले आई थिंक पहले तो परमिशन लेनी पड़ती है उन्हें कि खेत कब तक खाली रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि वो खेत वाला क्या पता अगले दिन काम करना पड़े। तो ये देख सकते हैं, फर्स्टली परमिशन लेते हैं, फिर ये अपना झोपड़ी वोपड़ी बनाते हैं। इन्हें तो हैबिट रहती है, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा लगेगा कि ये हम नहीं बना पाएंगे इतनी जल्दी, ये सर्वाइव कर लेते हैं। क्योंकि वही सिंपल सा फंडा है कि जिस चीज़ को हम रेगुलर करते रहते हैं, परमानेंट करते रहते हैं, वो चीज़ की हमें हैबिट बन जाती है। सेम इनके साथ ऐसी है, और ये सर्वाइव कर रहे हैं इतनी सर्दी में भी, जो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इनके पास बहुत खतरनाक खतरनाक कुत्ते रहते हैं। जस्ट यू कैन सी पिटबुल, अमेरिकी बुल्ली भी है। और यहाँ पर नए नए बच्चे भी हैं, और यहाँ पर ये खेल रहे हैं मस्त मस्त होकर। और ये इनके दादू जी आ रहे हैं, मतलब कि मेंबर। ओ भाई खासी। और ये इनके मालिक हैं, आई थिंक पूरी इस उसके ग्रुप के। क्या ये बात है इन। तो दोस्तों जस्ट मैंने अभी भैया से पूछा था कि हॉर्स राइडिंग करा सकते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं आती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जानते हो आप ये कि हॉर्स थोड़ा सा आक्रामक जानवर है, ज़्यादा वो अटैक कर लेता है एकदम, और वो समझ सकते हो आप। मैंने कहा कि पैसे भी ले लीजिए भैया, तो कह रहे कि नहीं करा सकते। दोस्तों हमें जस्ट वहाँ जाना था, लेकिन मैंने डिसाइड किया हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, इसका कारण सबसे बड़ा कारण ये है जो मेरे सामने। ठीक है, समझदार है तो।
तो दोस्तों भाई राइडिंग करने के लिए तो नहीं मिला, लेकिन हम इनके साथ फोटो तो खिंचा ही सकते हैं और छोटी क्लिप बना लेंगे अगर ये मान जाते हैं। वैसे तो ये कुछ नहीं मान रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ मान रहे हैं भाई साहब। वो बहुत प्यार लगा मुझे, सारी बात मानना है हमने, हमने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो इस घोड़े का मैं शुक्रिया करता हूँ अपने दिल से, क्योंकि इसने भाई फ़ोटो खिंचवाया हमारे साथ और वीडियो भी बनवाई, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे हम चाह रहे थे। तो दोस्त मिलते हैं, दुआ में याद रखना सभी को बाय। वैसे मेरी तरफ ये देख नहीं रहे हैं, लेकिन शायद सुन पा रहे हो मुझे, तो मिलते हैं फिर कभी। ओके बाय। और दोस्तों अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड फैमिली को शेयर कर दीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।